एक बार जोरदार तालियां हो जाए सत्र से पहले। और अब जोरदार तालियों के बीच में आमंत्रित करूंगा मोहम्मद अकबर साहब जी को। सर आइए, तालियां बजती रहनी चाहिए। सर 25 सालों से आप राजनीति में हैं, लंबा सफर, चार बार जीत का स्वाद तो ले लिया, दो बार आपको हार भी मिली, लेकिन पिछली विधानसभा में जीत का स्वाद बना दिया जहां पर 60,000 वोटों से आप विजय भी हुए, क्या इस बार भी ऐसा ही रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं आप? रिकॉर्ड तो बिल्कुल बनाना ही चाहिए और इससे और बेहतर करने की कोशिश हो रही है, जितना हो चुका उससे और अधिक करना चाहते हैं। बड़ा प्रभार आपके पास है, कितनी बड़ी चुनौतियां मानते हैं आप इसे? प्रभार तो सब बड़े बड़े हैं, वन विभाग है, आवास पर्यावरण है, विधि विभाग है, परिवहन विभाग है, सारे विभागों में बहुत अच्छे ढंग से काम चल रहा है। पुरानी व्यवस्थाओं को भी बदलने की कोशिश हुई है। पहले आपने देखा होगा कि परिवहन विभाग में जो भी काम होते थे वो मैनुअली ढंग से किए जाते थे, लेकिन सरकार बनने के बाद आज हर सिस्टम जो है वो ऑनलाइन हो गया है। और यदि आपको टैक्स पटाना है, रजिस्ट्रेशन कराना है फिटनेस के बारे में भी, तो सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। उसके अलावा घर पहुंच सेवा भी परिवहन विभाग की तरफ से हुआ है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपके घर में लाइसेंस जो है वो डाक पद्धति से भिजवाते हैं, तो 20 लाख से अधिक लोगों को अब तक भेजा जा चुका है। वन विभाग में काम की जो बात हो रही है, हमारे यहाँ एक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का साधन है लघु वनोपज। आपको ये जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ जो है वो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर का, जिसमें 44.2% फॉरेस्ट एरिया है। यहाँ के जो लघु वनोपज की जो खरीदी होती है, तो पूरे देश में जितना लघु वनोपज की खरीदी है 74% अकेले छत्तीसगढ़ राज्य खरीदता है, और इसके लिए भारत सरकार ने 9 पुरस्कार हम लोगों को दिए हैं। तो वन विभाग की तरफ से लगातार जो काम चल रही है, 12.5 लाख हमारे तेंदुपत्ता के संग्राहक हैं, और चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हम तेंदुपत्ता का जो संग्रहण मूल्य है उसको बढ़ाकर 2,500 से 4,000 करेंगे, और जब से अब तक 2,500 से बढ़ाकर 4,000 प्रति मानक बोरा के हिसाब से हम लोग खरीदी कर रहे हैं। अब पर्यावरण आवास की जहां तक बात है, तो आवास पर्यावरण में जो हमारा मापदंड होता है पर्यावरण को लेकर, तो बहुत ही अच्छी स्थिति में अभी समय छत्तीसगढ़ है, और आवास को लेकर अनेक योजनाएं चल रही है। नवा रायपुर में भी अभी कुछ दिनों पहले एक होलसेल कॉरिडोर बनाने का भी मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया है, लगभग 6,000 वहां पे होलसेल की दुकान खुलेंगे, 1.5 लाख लोगों को लगभग वहां पे रोजगार मिलेगा, और उसको एक बड़ी बसाहट वहां पे आएगी, जबकि नवा रायपुर बनने के बाद अब तक वहां पे बसाहट के लिए कई प्रयास किए गए लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो ये सारे काम किए गए हैं। आपके विभाग ने सेवाएं तो ऑनलाइन कर दी, मगर हम बात करें राज्य के बहुत से ऐसे जो जिले हैं जहां पर रिमोट एरिया में यह सुविधा का विस्तार नहीं हो पा रहा है, तो आखिर कैसे संभव होगा, इसके लिए किस तरह की रणनीति है? क्या नहीं हो पा रहा है? राज्य के बहुत सारे ऐसे जिले हैं, क्षेत्र हैं रिमोट एरिया में, यह सुविधा का विस्तार आखिर कैसे संभव होगा? देखिए, सब सुविधा का विस्तार तो सब अलग अलग विभागों का काम है। यदि पर्यावरण का क्षेत्र है तो पर्यावरण वाले विस्तार करेंगे, यदि कनेक्टिविटी जोड़ना है तो लोक निर्माण विभाग करेगा, और शहरों के भीतर का यदि कोई विकास का काम है तो नगरीय निकाय करेगा। अब हमारा जो विभाग है, यदि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अपन ले लें तो उनको अनुमति देने का खाली काम है, विकास खुद करते नहीं है, लेकिन व्यवस्थित रूप से जो मास्टर प्लान है उसके हिसाब से विकास हो तो इसको रेगुलाइज करने का, अनुमति देने का काम हमारे विभाग का है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में यदि विकास नहीं है तो सब डिफरेंट विभाग के अलग अलग काम है। आपकी छवि जो है एक ईमानदार, जुझारू और मेहनती नेता के तौर पर देखी जाती है, फिर चाहे आप सरकार में बतौर मिनिस्टर काम करें या फिर विपक्ष के एक विधायक के रूप में, आखिर क्या खास है, इतनी बात क्यों होती है, इतना चर्चा में क्यों रहते हैं? विपक्ष के विधायक के रूप में
मेरा सवाल यह है कि विपक्ष के एक विधायक के रूप में अगर हम बात करें, जब आप उस समय थे तब भी आप इसी तरह से बुलंद रहते थे, आवाज उठाते थे, बातें करते थे, आखिर इतनी खास बात क्या है? देखिए, ऐसा है कि सारी चीजों की जानकारी होना जरूरी है। 15 साल तक डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। मैं कवर्धा जिले से विधायक हूं और कवर्धा से मुख्यमंत्री जी उनका निवास है। 15 वर्षों तक मैं विधायक रहा, वो मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैं उनके साथ कभी मंच साझा नहीं किया, उनके मंच में कभी नहीं गया। वो अपना काम करते रहे, विधानसभा मेरे विधानसभा में भी जाते रहे, लेकिन मैं उनके मंच में कभी नहीं गया, क्योंकि मेरी विचारधारा अलग, उनकी अलग, उनका काम अलग, उनकी पार्टी अलग, मेरा अलग। जिस दिन मैं उनके साथ मिल गया, उनके मंच में चला गया, तो फिर मैं समाप्त हो जाऊंगा। तो मैंने अपनी पहचान बनाई रखी और इसी का ये परिणाम है कि अभी जो 2018 में विधानसभा का चुनाव हुआ है, डॉक्टर साहब खुद आए थे वोट डालने के लिए हेलीकॉप्टर से, क्योंकि वो मेरे वोटर हैं। उसके बाद भी जनता ने 60,000 वोट से मुझको चुनाव जिताया। आप घोषणा समिति के चुनाव घोषणा समिति के अध्यक्ष भी हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आखिर आप इसे मानते हैं? कौन सा अध्यक्ष है? चुनाव घोषणा समिति के। चुनाव घोषणा पत्र, देखिए, चुनाव घोषणा पत्र जब पिछले बार जो 2018 का चुनाव हुआ, तो उस समय हमारे पास काम बताने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि हम लोग प्रतिपक्ष वाले थे, खाली प्रतिपक्ष के रूप में हमारा काम चल रहा था। तो हम लोगों ने एक घोषणा पत्र तैयार कराया, 36 बिंदु उसमें थे, जिसमें से अधिकांश हम पूरा कर चुके। जैसे उदाहरण के तौर पर, अब भारतीय जनता पार्टी के लोग यदि कोई कहे कि कुछ नहीं किया, तो कर्जा माफी में यदि हम बड़े नेताओं का लिस्ट सार्वजनिक करें तो सारे लोगों के नाम आ जाएंगे। धान खरीदी के बारे में, अधिक मूल्य में खरीदी हो रही है, सारे नेताओं के आंकड़े हमारे पास है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खाते में वो जो कर्जा माफी का भी पैसा गया है। और ये राजीव गांधी हमारे जो किसान न्याय योजना है, 9,000 रुपये प्रति एकड़ हम देते हैं, तो वो 9,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से भी सारे बड़े लोगों के नाम उसमें हैं। तो नहीं किया वाला कोई बात नहीं, मतलब बहुत कुछ कर दिए। आवास के बारे में बीच में एक बार बात उठी, तो आवास के बारे में 2011 के सर्वे सूची में जिन लोगों का नाम था, तो उनको कुछ थोड़ा सा देरी हुआ था पैसा आने में, लेकिन बाद में बजट में 3,200 करोड़ दे दिया गया। अब बच गया था 6,99,000 का वेटिंग लिस्ट, तो वो वेटिंग लिस्ट में भी मंत्रिमंडल की बैठक में उसको भी मंजूरी दे दी गई और उसका प्रथम किस्त का राशि जो है वो अभी खड़गे जी आए थे, उन्होंने जारी कर दिया। तो जिस प्रकार से अब तक छत्तीसगढ़ सरकार ने जिन चीजों की घोषणाएं नहीं थी वो भी काम करके उन्होंने दिखाया है। जैसे ये घोषणा में नहीं था कि हमको 7,000 रुपया देना है, जो राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, जिनके पास कोई जमीन नहीं है तो उनको 7,000 रुपया सालाना देना है, तो ऐसे बहुत से काम किए। अब बात आती है घोषणा पत्र की, तो बहुत कुछ करने के बाद भी बहुत कुछ करना बाकी है। वो घोषणा पत्र अभी उसको ओपन नहीं किया जा सकता, तो वो बड़े लोगों के साथ, हमारे वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ बैठ के जो घोषणा पत्र बनेगा, तो वो उसके बाद ही उसको जारी कर पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा रहेगा। केंद्र से हमेशा नाराजगी बनी रहती है, हमेशा मोदी जी के लिए कुछ ना कुछ बयानबाजी होती है। अब आज प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हैं, बिलासपुर में उनका दौरा है। उन्होंने बड़ी बात एक ये कही है कि पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री आखिर कैसे बन गया, इससे परेशानी कांग्रेस को होती है। तो क्या पिछड़ा वर्ग को नहीं पसंद करती है कांग्रेस? पिछड़ा वर्ग का यहाँ, पिछड़ा वर्ग का तो यहाँ मुख्यमंत्री भी है, तो पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, कोई बनता है भाई, प्रजातांत्रिक देश है, तो वो किसको परेशानी, किसी कोई परेशानी नहीं है। चुनावों को किस तरह देखते हैं, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, इस बार पूरी तरह से बीजेपी एक्टिव है, चुनावी मोड में आ चुकी है, पिछली बार से अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार मेरे ख्याल से आपने कांग्रेस का जो नारा है उसको पढ़ लिया होगा, आपकी बार 75 पार, वही है, डर नहीं है, आपकी बार 75 पार, 75 पार पक्का है, बिल्कुल, मतलब कहीं भी ऐसा डाउट नहीं है कि कुछ, कोई डाउट नहीं है। आप भी एंट्री कर रही है अब तो? मैं? आप भी एंट्री कर रही है अब तो? आप भी एंट्री मार चुकी है, आप पार्टी, आम आदमी पार्टी भी एंट्री मार चुकी है? देखो, ऐसा है कि सब पार्टी का अपना अपना काम है। आम आदमी पार्टी अपना प्रयास कर रही है, भारतीय जनता पार्टी अपना कर रही है, यहाँ गोंडवाना गर्दन पार्टी है वो भी कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी है वो भी कर रहे हैं, और मतलब अलग अलग कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें किसी के बारे में कुछ कहना नहीं है। लेकिन कांग्रेस की बहुत अच्छी तैयारी है। पिछले बार जब चुनाव हुआ 2018 में, तो बताने के लिए कुछ था नहीं, सिर्फ घोषणा पत्र। अब हमने इतना काम कर चुके हैं कि हम उन कार्यों के आधार पर
विधानसभा में जाएंगे और कार्यों के आधार पर जाएंगे तो निश्चित रूप से जिनको आर्थिक रूप से हमने मजबूत बनाया है अलग अलग योजनाओं के जरिए में, तो हमको उम्मीद है पूरी कि वो हमारा साथ देंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपके विभाग की बात करते हैं। अब हम परिवहन और वन दोनों विभाग हैं आपके पास, क्या कुछ नया करने की अब तैयारी में है, किस तरह की रणनीति है? और खास बात यह, दूसरा सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में लकड़ियों की अवैध कटाई जो है बहुत ज्यादा होती है, जिसको लेकर राजनीति भी हम देखते हैं। देखिए ऐसा है कि अवैध कटाई का उदाहरण कोई देता नहीं है। यदि मैं आपसे ही पूछ दूं कि कहां कहां हुआ है बता दो, तो आप भी नहीं बता पाओगे, क्योंकि ये राजनीतिक बयानबाजी का तरीका है। अब आइए दूसरा नया क्या, तो परिवहन विभाग में जिस समय जो अंतरराज्यीय जो बैरियर होते हैं, जब जो उसको तत्कालीन सरकार ने बंद किया, अब तत्कालीन सरकार ने जब बंद किया तो हम लोगों ने उसको प्रारंभ किया। हमारे उसको प्रारंभ करने का कारण है हमारा कुछ हिस्सा नक्सल प्रभावित है, तो राज्य के भीतर से जो गाड़ी यहां से बाहर जाए या कोई गाड़ी भीतर आए तो वो हमारे रिकॉर्ड में रहना चाहिए, और इसके कारण वो बैरियर हमको स्थापित करना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बैरियर स्थापित किया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप लगा कि भाई ये जो बैरियर स्थापित है ये भ्रष्टाचार करने के लिए है। तब अब आप उसको कैलकुलेट करिए कि 13 करोड़ रुपया जिस समय ये बंद किए तो उस बैरियर का जो आवक था वो 13 करोड़ था, आज प्रति वर्ष उसका आवक है 254 करोड़। अब ये उपलब्धि नहीं है तो क्या है, ये अंतर है। दूसरी बात ये कि जो भी सिस्टम है सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आपको टैक्स पटाना है, आपको लाइसेंस लेना है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, सब ऑनलाइन सिस्टम हो गया। यहां तक कि सुविधा केंद्र भी खोले गए हैं और सुविधा केंद्र में जो पढ़े लिखे बेरोजगार हैं उनको बड़ी संख्या में लाइसेंस दिया गया है ताकि वो इसका काम कर सके। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां बहुत हो रही हैं, इसको लेकर के हम देख रहे हैं राजनीति भी हो रही है, किस तरह आप इसे देखते हैं, क्या परेशानियां होती हैं, कहीं ना कहीं काम प्रभावित होता है? देखिए ऐसा है कि हर का कार्रवाई अपनी अपनी जगह है, अब वो अपना कार्रवाई कर रहे हैं लेकिन आरोप तो इसी प्रकार से लगता रहा है ना कि जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां कार्रवाई ज्यादा होती है, और ये विपक्ष की सरकार ही आपको ही मालूम है। पर आरोप तो यही लगते हैं कि नहीं, जहां पर भ्रष्टाचार है वहां पर कार्रवाई तो होगी और कार्रवाई होती है, आरोप अपनी जगह है, प्रमाणित होना चाहिए। सरकार रिपीट करने जा रहे हैं, पक्का है? बिल्कुल पक्का है, सरकार रिपीट करने जा रहे हैं। क्या क्या ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं, खास मुद्दे, अहम? घोषणा पत्र को तो अभी ओपन नहीं किया जा सकता, कुछ तो होगा है, यहाँ भी जनता है, जनता को बताना तो जरूरी है, जनता तक पहुंचना भी जरूरी है। नहीं तो अभी बताने से तो जनता का उत्सुकता ही खत्म हो जाएगा, और घोषणा पत्र तो एक इम्पोर्टेंट चीज है। घोषणा पत्र मत बताइए, कुछ ऐसी रणनीतियां जो आपने तैयार की हो, जो आपके जहन में हो, सीधे जनता से जुड़ी हो, क्या ऐसी चीजें होंगी कुछ? भाई कांग्रेस जिस रणनीति से चुनाव जीतने जा रही है उसको सार्वजनिक कैसे कर सकती है, वो तो अपना खुद का उनका रणनीति है। 75 पार माने इस बार हम, 75 पार, 75 पार, ठीक है। आखिरी सवाल आपसे ये है कि खाली समय में आखिर आप क्या करते हैं, इतनी खास बातें आपके लिए रहती है, इतने सहज है, इतना ज्यादा डेडिकेशन आपके अंदर है, खास समय, खास खाली समय? ऐसा है कि समय खाली हो तो बताऊं, आपने पूछा खाली समय में क्या करते हैं तो खाली समय नहीं रहता, बहुत ज्यादा प्रेशर है। कोई खाली समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मंच पर आए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप स्टेज पर बने रहिए थोड़ी देर, न्यूज 18 आपका सम्मान करना चाहता है, और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा चीफ कंटेंट ऑफिसर।